हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम कैडियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कूटी को चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि अगर हमें स्कूटी चलाना हो तो किस ड्राइविंग लाइसेंस से हम चला सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारे पास कमेंट भी आए थे कि हमें स्कूटी चलाने के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस ड्राइविंग लाइसेंस से आप स्कूटी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी वीडियो देख करके आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कूटी को चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि स्कूटी को चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, हमारे पास एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या हम MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से स्कूटी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, MCWG ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल विद गियर के लिए होता है, मतलब वो बाइक के लिए होता है जिसमें गियर होती है, लेकिन स्कूटी में गियर नहीं होती है। तो फ्रेंड, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि किस ड्राइविंग लाइसेंस से आप स्कूटी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, स्कूटी बिना गियर वाली होती है, जैसे इसमें गियर नहीं लगता है, केवल इसमें एक्सीलेटर से ही चलती है। तो फ्रेंड, जो MCWG ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उसका फुल नेम होता है मोटरसाइकिल विथ गियर। जिस गाड़ी में गियर होती है उसे आप MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। जैसे बाइक हो गया, बाइक में जितनी भी गाड़ियां हैं गियर वाली, वो सब गाड़ियां MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से चला सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं कि स्कूटी को चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, स्कूटी को चलाने के लिए भी एक लाइसेंस बनता है MCWOG। इसका मतलब है फ्रेंड, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मतलब विदाउट गियर वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे स्कूटी हो गई, स्कूटी में होंडा का स्कूटी, हीरो का स्कूटी, TVS का स्कूटी, जो जितने भी स्कूटी हैं बिना गियर वाली गाड़ियां, वो आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपके पास MCWG ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब अगर आपके पास बाइक चलाने वाला जो लाइसेंस होता है अगर आपके पास है, तो आप स्कूटी भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके मन का एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि अगर आपके पास बाइक चलाने के लिए MCWG ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे आप स्कूटी भी चला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, वहीं पर अगर आपके पास MCWOG का अगर लाइसेंस है तो आप बाइक नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस MCWOG है, विदाउट गियर वाला वो लाइसेंस है। अगर आप गियर वाली गाड़ी चलाते हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, अगर आपके पास MCWG मतलब मोटरसाइकिल विथ गियर का लाइसेंस अगर आपके पास है, MCWG लाइसेंस है, तो आप स्कूटी भी चला सकते हैं और अपना बाइक भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से ही बनवाएं, क्योंकि MCWG ड्राइविंग लाइसेंस से आप अपना बाइक भी चला सकते हैं और स्कूटी भी चला सकते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में फ्रेंड अगर एक स्कूटी है और बाइक भी है, तो फ्रेंड अगर आप स्कूटी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो आप बाइक नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर आप बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो आप स्कूटी को भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड, आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि स्कूटी को चलाने के लिए हमें कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए। तो फ्रेंड, ये रही छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।